नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली जिले के उर्गम घाटी के तल्ला बर्डिंगा टोक के आपदा प्रभावितों ने सरकार से गुहार लगाई है कि 44 आपदा प्रभावित परिवारों का शीघ्र विस्थापन किया जाए। ग्रामीणों ने 2 साल से गांव के पास के ही विश्वकर्मा मंदिर में शरण ली है। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर 21 जुलाई तक विस्थापना की मांग की है। कहा, शीघ्र विस्थापना की कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो ग्रामीण विश्वकर्मा मंदिर परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। पौड़ी जिले के सतपुली विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली के नगर पंचायत प्रांगण में सोमवार को पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने हरेला अभियान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती पर आयोजित पखवाड़ा के अंतर्गत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। उत्तरकाशी के ओपला टकनौर और क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस उत्तरकाशी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। वहीं सीमान क्षेत्र ग्राम हर्षिल के तमाम ग्राम सभा ने निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ चढ़कर सुविधा प्राप्त की और वहीं हर्षिल थाना इंचार्ज तिलमोहन बिष्ट और उनकी टीम द्वारा स्वास्थ्य सुविधा की तमाम जिम्मेदारियों से व्यवस्था रखी। वहीं स्वामी विवेकानंद हिमार चिकित्सालय गंगोत्री धाम के डॉक्टर्स और स्टाफ ने स्वास्थ्य सुविधा की जाँच की, निःशुल्क दवाइयाँ भी बांटी। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका बड़कोट द्वारा लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए छापेमारी अभियान के साथ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें अधिशासी अधिकारी मोहन प्रसाद गौड़ द्वारा निकाय स्तर पर सैनिटरी इंस्पेक्टर जयनंद सेमवाल के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए पुरानी बाजार, मुख्य बाजार, रसूखेत, ITI रोड में चालान किया गया। 11 चालान के साथ 5200 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है, जिसमें 5 किलो 700 ग्राम पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, फूक आदि जब्त कर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रतिबंधित वस्तु की जानकारी दी गई। सावन माह और कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूर्व की भांति इस साल भी सावन माह में भगवान आशुतोष शिव शंकर जी को गंगा जल चढ़ाने के लिए महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर मंगलवार को स्थानीय साक्षी लॉन्च में एक बैठक की गई। बताते चले कि ये कांवड़ यात्रा पिछले 2 सालों में कोरोना काल के चलते स्थगित रखी गई थी। तब शिव भक्तों में काफी मायूसी छाई थी, लेकिन इस बार शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के तहत लोकसभा चुनाव की दस्तक को देखते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री देश के 144 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रवास और मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इसी के तहत बिजनौर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ता सहित केंद्रीय पर्यटन मंत्री जनसभा और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के मौरी परासी गांव के समीप सरयू नहर के निकट मिट्टी में दफन किया हुआ महिला का शव मिला। पुलिस शव की शनाख्त में जुटी है। बकरी चराने गई गांव की महिलाओं और बच्चों ने बाल देकर होने की आशंका जाहिर की। गांव के लोग पहुंचे तो देखा कि नहर के निकट शव दफनाया गया है, उसके बाल मिट्टी के ऊपर बगल में पड़े हैं। ग्रामीणों ने उसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सहारनपुर में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जनपद सहारनपुर के पदाधिकारियों सदस्यों ने अधिशासी अभियंता अपर खंड पूर्वी यमुनानगर सहारनपुर के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि अधिशासी अभियंता अपर खंड पूर्वी यमुनानगर सहारनपुर द्वारा मनमाने ढंग से शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध किए गए पदस्थापना आदेशों एवं संघ के सदस्यों का NPS खाते न खोलने के कारण वेतन रोके जाने का आरोप है। धरने की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष अमित शर्मा द्वारा और संचालन सोहित कुमार द्वारा किया गया है। हरदोई में 2 दिन पहले गायब हुई युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक युवती का गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर उसके नाना मामा ने उसे डांट दिया, जिससे परेशान होकर युवती ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में युवती के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
बौद्धनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर साड़ी के पास क्षतिग्रस्त हो गया। थाना चमोली की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि पुरसाड़ी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और संबंधित विभाग को सूचित भी किया गया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सफाई, बिजली, पानी को लेकर अस्पताल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी डॉक्टर्स के ओपीडी रजिस्टर चेक किए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य अपने ओपीडी रजिस्टर दिखाने में नाकाम रहे, जिस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा खासा नाराज नजर आए। बागपत कचहरी से मंगलवार दोपहर एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया। बागपत कोतवाली समेत कई थानों की पुलिस ने उसे तलाश करने के लिए तुरंत चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि देर रात सूजा नहर के पास बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बिजनौर में मेले में दो गुटों में जमकर कुर्सियां चली हैं। दबंगों ने पुलिस और होमगार्ड कर्मियों के साथ मारपिटाई की। ड्यूटी कर रहे होमगार्ड और कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिवहारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। संभल में तत्कालीन थाना प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व फौजी के आवेदन पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई हुई है। दरअसल पूरा मामला असमौली थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां के रहने वाले विक्रम सिंह सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। उन्होंने चंदौसी सिविल जज एसीजीएमए की कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बड़ी बात यह है कि 9 पुलिसकर्मियों में असमौली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रणवीर सिंह भी शामिल हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है। पूर्व फौजी विक्रम सिंह के अनुसार बीते 22 मई को तत्कालीन थाना प्रभारी रहे रणवीर सिंह और हमराह पुलिसकर्मियों ने उसके घर आकर लॉकडाउन के वक्त चालान काटने के नाम पर मारपीट करने और भद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। गौना में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। संपत्ति विवाद को लेकर वृद्ध दंपति की हत्या कर दी गई। हथौड़े से मारकर मौत के घाट उतारा गया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ललितपुर में दबंगों द्वारा पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ एवं कर्मचारियों से मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 3 अज्ञात एवं 1 अज्ञात युवक पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना नराहट क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।